पुलाव, फेमस पुलाव रेसिपी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो जी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बैक टू बैक ब्लॉग फेंक रही हूँ बस, क्योंकि भाई मुझे अच्छा लग रहा है काम करना, मेरा दिल कर रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे, मैं इंजॉय कर रही हूँ। खैर, आज का ब्लॉग थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर, आज का ब्लॉग इस चीज़ के ऊपर है कि आज का ब्लॉग बनेगा पुलाव, फेमस पुलाव रेसिपी मेरे अम्मा के। लेकिन अम्मा अम्मा के हाथ का पुलाव नहीं बन रहा आज, बन रहा है भाभी के हाथ का, लेकिन रेसिपी अम्मा की है। तो खैर, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग जल्द से दुआ करें मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए, फिर मम्मा बड़े मजे मजे के खाने बनाएंगे और मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये सीन है, मैं आप लोग को रेसिपी पूरी शेयर करूंगी कि हमारे घर में पुलाव कैसा खाया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मुझे मेंशन जरूर करना जब भी बनाओ इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बस चलते हैं, देखते हैं और आप सबको पुलाव की रेसिपी दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हमारी सारी तैयारी हो गई है, मम्मा और भाभी ने मुझे सारी तैयारी करके बता दी है कि पहले वो लोग कह रहे हैं कि तुम बता दो फिर शुरू करेंगे खाना पकाना। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चार प्याली चावल लिए हैं, ये चार प्याज लिए हैं, लेकिन ये मीडियम साइज की थी। ये आपके हस्बैंड जायका है, मिर्ची आप जितनी भी ले सकते हैं। ये डेढ़ चमचा है, ये आधा कप से ऊपर है दही, डेढ़ किलो चिकन है, मम्मा डेढ़ किलो है ना चिकन, डेढ़ किलो चिकन, चिकन का गोश्त चिकन है, पता नहीं क्या है, चलो खैर। ये सारी चीज़ें लिए हैं, ये बादियान के फूल इतने लिए हैं, लौंग है, ये तेज़पात, और ये है ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, और ये काली मिर्चें एक्स्ट्रा जो मम्मा डालती हैं, ये पिसी हुई होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा है। चावल भी डेढ़ किलो से कम ही है ना, मतलब चार प्याली डेढ़ किलो पूरे नहीं है, बस डेढ़ किलो से कम ही है। तो ये है, और अभी देखते हैं कैसे बनता है। ये शुरू होता है, आप सबको भी पता ही होगा, ये भाभी ले रही है चार प्याली चावल हैं, और ये कितने ले रही हैं, दो ऑयल इतना ले रही हैं, आप लोग के हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो और ऑयल डाल सकते हैं। तो अब ये प्याज इसमें जा रही है सारी, क्योंकि हमने बाद में गार्निशिंग के लिए भी लेनी है ना, मैं जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती तब तक भूनते रहना है ना। तो जब ये गोल्डन होगी मैं आप लोगों को तभी दिखाती हूँ, गोल्डन ब्राउन तक पहुँची है, अभी भी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई, अभी 5 मिनट तो हो गए हैं भूनते भूनते हुए, बट अभी और टाइम लगेगा इसको। हो गई गोल्डन ब्राउन, आप लोग देख सकते हो ये कलर आना चाहिए बड़ा मज़े का, और ये भाभी गार्निशिंग के लिए निकाल रही है प्याज इसमें, और इसके बाद डलेगा गर्म मसाला सारा है ना, साबुत गर्म मसाला, खड़ा साबुत खड़ा जो भी बोलते हैं, ये इसके अंदर जा रहा है। अब सारा ही डाल देंगे एक साथ, बस काली मिर्च नहीं डालेंगे है ना, पिसी भी जो है वो नहीं डालेंगे, बाकी सब डाल देंगे एक साथ इसके अंदर। तो इसको हल्का सा सौते किया है अभी भाभी ने, अब भाभी क्या डालने लगी हो, इसमें अदरक लहसुन डालने लगी है, और सारा ही डाल देंगे अभी, क्योंकि जितने चावल हैं वो। अब इसको हल्का सा सौते किया है क्योंकि वो जो अदरक लहसुन का जायका होता है वो निकल जाए। अब डालने लगी है इसके अंदर भाभी चिकन, सारी चिकन, चिकन ने ना अभी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ा है तो वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, देख सकते हो ये कलर आना चाहिए चिकन का। अब डालने लगे हैं इसके अंदर दही, आधा कप से ऊपर दही थी मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ये सारी दही इसके अंदर चली जाएगी, और अब तो भाई क्या मज़े की खुशबू आ रही है अभी, और जायका अब बनेगा इसका। खुशबू अभी से बहुत मजे की आ रही है, हाँ ब्राउन अम्मा। अब चीज डालेंगे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जब सामान में, इसके अंदर हरी मिर्चें पीस के रखती हैं मम्मा, वो डालती हैं, बहुत अच्छा जायका आता है इस चीज से, आप लोग भी ट्राई करना। बस 2 चमचे डाली है, पूरी नहीं डाली क्योंकि मिर्चें कम, बच्चों के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो ये लेकिन मिर्चों से जायका बहुत मज़े का बनता है। अब इसके अंदर डलने लगा है ये काली मिर्ची जो पीस के रखी थी, अच्छा खासा भूनने के बाद अब ये काली मिर्ची डल रही है इसके अंदर। अब क्या करोगे आप इसके बाद, अब क्या करोगे आप इसके बाद, चावल डल जाएंगे आखिर में, अब इसके बाद चावल का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ चावल कौन से हैं। चिकन को ज़्यादा, अच्छा आई मैम जी, भाभी आप क्या कह रही थी, चिकन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है ना, आप बताते हैं तो अभी आएगी ना तो चिकन। तो चावल का मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं चावल कौन से वाले, नहीं तो आपने बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है
पूछ पूछ के पागल कर देने। खैर ये सीन है चावल ये वाले, मोहब्बत चावल का नाम है हमारे, चावल का नाम है हमारे, मोहब्बत यूज़ करते हैं हम ये चावल, बड़े मज़े के चावल होते हैं। हम इसकी बिरयानी भी बना लेते हैं कभी कभार, नहीं तो हम लोग सेलर राइस यूज़ करते हैं बिरयानी के लिए। सारे चावल इसके अंदर और बस अब थोड़ा सा ही काम रह गया, बस दम आने और हमारा पुलाव रेडी हो गया है। 15-20 मिनट लगे ना बस और पुलाव रेडी हो गया हमारा। बस अब देखते हैं भाभी इसमें कितना पानी डालती है, भाभी सब बताएंगी, भाभी बताती जाना क्या क्या कर रही हो। 2 कप पानी है अभी, तो ज़्यादा पानी डलेगा। सही है, सही है। अभी पानी और डालेंगी भाभी। अच्छा तो इसमें ना एक भाभी चावल ना टूटे तो उस पर भाभी डालती हैं सिरका। कितने चम्मच डालती हैं? बस एक स्पून डालती है, जो खाने का स्पून होता है। अच्छा कम चावल तो ड्रॉप डालती हैं आप सिरके का, अगर चावल आप ना टूटे आपके चावल तो इसलिए डाले जाता है। ये एक ट्रिक है जो भाभी और अम्मा ने ईजाद की है, ये ट्रिक आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। नमक भाभी ने डाल दिया इसके अंदर अपने हिसाब से, अब वो चेक भी करिए कि नमक कितने डाला है, और इतना चाव पानी होना चाहिए कि चावल भीग जाए बस पानी में। तो ये अब दम दे रहे हैं इसको बस, अभी चेक करेंगे थोड़ा सा, अभी एक उबाला आएगा है ना, इसलिए क्योंकि अभी चावल पिएगा। हाँ तो एक उबाला आएगा उसके बाद नमक पता चलेगा, फिर नमक कम होगा तो नमक और डालेंगे, उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। हम इसको दम दे रहे हैं बस, ढकना ढक रहे हैं। तो कितनी देर दम देना? जब चावल दम हो जाए, जब दम हो जाएगा मैं फिर आप लोग से मिलती हूँ। और कितनी देर दम आया है? 10 मिनट इसको दम दिया है, और आप लोग देख सकते हो कितना मज़े का पुलाव लग रहा है। खैर अभी चमचा वगैरह चला रही हैं, देख रही हैं भाभी, आई थिंक थोड़ा देर और आना है दम। हाँ थोड़ी देर दम और आएगा अभी। अच्छा मैं आप लोगों को रायते की रेसिपी बता दूं, भाभी बना रही थी, ये सारी चीज़ें भाभी डालेंगे इसके अंदर। अभी आपने इसके अंदर काली मिर्च डाला और नमक डाला अपने हिसाब से, जितना आप लोग नमक खाते हैं मतलब ज़्यादा कम उस हिसाब से इसमें नमक डालेगा और काली मिर्च डाली है हमने। अब एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगी, थोड़ा सा डालना है, थोड़ी सी जो मिर्चें पीसी थी जो बचा ली थी मैंने आप लोग को बताया था पीछे ब्लॉग में। तो बस हम लोग यही वाला रायता बनाते हैं पुलाव के साथ हमेशा। तो आप लोगों को इसकी रेसिपी पता चल गई होगी, आई होप अच्छी लगी भी होगी आप लोगों को। तो ये लुक देता है इसका फाइनल लुक है रायते का, पुलाव का फाइनल लुक अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि वो दम पे आया हुआ है। कैसा बना है? बहुत मजे का। मेरी बहू ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया खाना। अच्छा वाकई बहुत अच्छा है वाकई। तो पूरी रेसिपी आप लोगों ने देख लिया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। बट अभी मैं आप लोगों ने देखा कि मैं राइस निकाल के लेकर आई हूँ, और क्योंकि मुझे भूख लगी थी मैं टेस्ट करने के लेकर आई हूँ, और आप लोगों को मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि कैसे टेस्ट है। तो हमेशा मैंने तो खाया, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है ये टेस्ट। बट सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे चिकन बोटी, उसके बाद हमें एक बाइट बनानी है। मतलब एंड हो गया, बहुत मज़े किया, बहुत 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 मज़े किया है। तो अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अगर आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो, और साथ साथ अपनी हाउस हेल्प जो होती हैं आप लोगों के घर में हेल्प करवाती हैं उनका खास कर ख्याल रखें इस चीज़ों का। तो रोज़ उनको एक प्लेट खाना भी देंगे अपने खाने में से निकाल के, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देते हैं, इस तरह से वो लोग भी खुश होंगे और अल्लाह ताला भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे, दिल को सुकून मिलता है। तो खैर अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो जाएं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।